हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे और हम सभी मजे में हैं। तो बस आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक नई रेसिपी, एक नई रूटीन के साथ। प्लीज वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपको, इवनिंग का व्लॉग है ये और साथ ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज डे है थर्सडे, थर्सडे इवनिंग और साथ में मंडे सॉरी फ्राइडे मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो थर्सडे इवनिंग में मैंने बनाया था बैंगन का भरता। तो ये इस तरह के बैंगन लेकर आई थी मैं भरते के लिए और इसे अच्छी तरह से धोकर कपड़े से सुखा लिया था और इस तरह से तीन चार चीरे लगा लिए थे चक्कू से और चेक कर लिया था इसको अच्छी तरह से, कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं था इसके अंदर, बहुत ही अच्छे बैंगन थे ये। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी भरता बनाने के लिए हम अक्सर बैंगन लेते हैं वो काले वाले बैंगन होते हैं, तो इस टाइम पे वो बैंगन अभी बहुत ही मुश्किल है कि मतलब हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रहे सब्जी वालों, कई सब्जी वालों को पूछा मैंने, नहीं मिले वो बैंगन, यही बैंगन अवेलेबल थे तो मैंने यही ले लिया है। और वजन के हिसाब से आधा किलो बैंगन है ये। तो बस जाली रख दी है गैस पर और बैंगन के ऊपर हल्का हल्का तेल लगा दिया है और इसे बस धीमी आँच पर मैं रोस्ट करूँगी। इस तरह तेल लगाने से इसकी स्किन जो है आराम से निकल जाती है। तो आप जब भी बैंगन भूने तो हल्का हल्का तेल लगा दीजिए और उसकी स्किन आसानी से उतर जाती है। और एक जरूरी टिप्स यहाँ दूंगी, जब भी आप बैंगन भूने और भुनने के बाद इसे तुरंत हल्के ठंडे पानी से धो दीजिए, इससे इसकी स्किन बिना किसी परेशानी के आराम से निकल जाती है। और जब तक बैंगन भून रहे थे मैंने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं और प्याज छील कर इस तरह दो टुकड़ों में काट कर मैं पानी में डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि प्याज काटते समय जो हमारे आंखों में आंसू आते हैं वो नहीं आएंगे। तो जब भी आप प्याज काटें इस तरह से प्याज को दो टुकड़ों में करके अच्छी तरह से धोकर पानी में डाल दीजिए। और साथ यहाँ मैंने प्याज को ज़्यादा लिए हैं जिसे मैं सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करूँगी। तीन प्याज यहाँ डालूंगी सब्जी में, तीन ही टमाटर हैं और लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है, एक हरी मिर्च ली है और आधी कटोरी मटर ली है जो फ्रोजन है। यहाँ मटर को उबालूंगी नहीं, मटर को इसी तरह इस्तेमाल करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को रेडी करके गुप्ता जी को दे दिया था। गुप्ता जी ऑफिस से आए थे और उन्होंने बोला कि चलो भाई भरता उनकी फेवरेट डिश है तो भरता वही बनाएंगे। तो बस यहाँ पर उन्होंने चॉपिंग का काम कर लिया, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो काफ़ी आराम लगता है। और यहाँ किचन के मैंने काम निपटा लिए, नैतिक के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, ओरल एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं हाफ ईयरली, तो थोड़ा टाइम उसे भी मुझे देना पड़ता है। और बच्चों को अगर टाइम ना दो ना फिर काफ़ी मतलब खुद भी फील होता है कि हम सारा दिन बिजी रह गए और बच्चों की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं इसलिए सारे काम फटाफट निपटाऊंगी ताकि थोड़ी देर में नैतिक के साथ बैठ पाऊँ। और यहाँ रोस्टेड सेवैयाँ लेकर आई थी मैं, एक दिन बनाई थी और आधी पड़ी हुई थी, तो आज डिनर में मीठे में मैं मीठी सेवैयाँ ही बनाऊँगी। और यहाँ नैतिक को लगी थी भूख तो नैतिक के लिए मैंने इडली बनाई थी, तो सुबह कुछ बैटर रख दिया था, सुबह फिर से मैंने बना दिया था और फिर नैतिक उस इडली को इस समय नाश्ते में ले रहा है, दो चार बच गई थी। तो बस बैंगन भून लिया था और यहाँ पर मैंने रोटियों के लिए आटा भी लगा लिया है। आटे को मैं ढककर एक साइड में रख दूंगी और साथ ही मैं किचन की सेल्फ को भी साफ़ कर लूँगी। कभी कभी काम हल्के महसूस होते हैं और साथ के साथ अगर हम क्लीनिंग भी कर लें तो किचन में काम बहुत ही आराम से और हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि किचन अगर हमारा क्लीन होता है तो हमारे काम हल्के लगते हैं। वहीं किचन अगर हमारा बिखरा हो और चीज़ें फैली हों, उथल पुथल हों, तो छोटा भी काम हमें पहाड़ की तरह नज़र आता है। तो बस यहाँ बैंगन भून चुके थे, बैंगन अच्छी तरह गल चुका था तो मैंने हाई फ्लेम पर बस थोड़ी सी स्किन उसकी थोड़ी और ब्राउन कर ली ताकि स्किन आराम से निकल जाए। और यहाँ पर सिवैयों को घी डालकर मैं रोस्ट कर ले रही हूँ, रोस्टेड सिवैयाँ हैं, बस एक मिनट के लिए रोस्ट किया है और इससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप रोस्टेड सिवैयाँ भी इस्तेमाल करें तो उसे एक बार घी में एक मिनट के लिए ज़रूर रोस्ट करें। और साथ ही चीनी डाल दी है, चीनी हल्की सी मेल्ट हो गई है, इससे क्या होता है दूध में जो चीनी का ब्राउन कलर है ना वो आ जाता है और सिवैयाँ देखने में अच्छी और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चीनी हल्की हल्की ही बस एक सेकंड के लिए मैंने मतलब डाली और मेल्ट की हल्की सी, और ज़्यादा नहीं, मतलब वो हल्का सा एक लसलसापन सिवैयों में आ गया था, हल्का सा ब्राउन कलर। तो बस यहीं पर मैंने दूध डाल दिया था और धीमी आँच पर छोड़ दिया सिवैयों को कम से कम 8 से 10 मिनट पकने के लिए। ये देखिए कितनी गाढ़ी और एकदम क्रीमी सिवैयाँ तैयार हुई हैं और इन्हें ठंडी होने के बाद भी थोड़ी जम जाती हैं।
तो बस यहाँ पर सिवैया एक साइड में रख दी, दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, जिसमें एक तेज पत्ता, दालचीनी का थोड़ा, बड़ी इलायची डाल दी थी और साथ ही प्याज इस तरह से बारीक बारीक कटे हुए डाल दिया। प्याज को हल्का हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। साथ ही प्याज के गुलाबी होने पर यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्च काट कर इस तरह से डाल दिया है। यहाँ पर इन्हें कूटा नहीं है ना ही पीसा है। इस तरह से डालने पर इसका टेस्ट भरते में ना बहुत अच्छा आता है। तो बस गुप्ता जी आ गए थे किचन में और उन्होंने ले ली भरते को बनाने की जिम्मेदारी। बस मुझे तो भाई आ जा रहा, मैं थोड़ी सी मदद मुझे मिल चुकी है और गुप्ता जी अक्सर ही जब रहते हैं मूड में तो किचन में आकर मेरी मदद कर देते हैं। और जिस दिन मुझे मदद की ज़रूरत होती है और गुप्ता जी नहीं आते हैं किचन में तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पर प्याज फ्राई होते मसाले निकाले, एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर ले लिया है, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चौथाई चम्मच ही तीखी लाल मिर्च लेकर पानी में भिगो कर रख दिया है। और प्याज में भी एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और जिससे भरते का कलर अच्छा आ जाएगा। और फ्राई होने के बाद यहाँ पर मसाले ऐड कर दिए। बस मसाले को भी हमने 3 से 4 मिनट धीमी आँच पर रोस्ट किया है, यानी फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स मसाले जब भी हम भिगो कर डालते हैं ना सब्जी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मसाले जलते भी नहीं तेल में और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट मसालों को फ्राई करने के बाद जब मसालों ने अच्छी तरह तेल छोड़ दिया था, यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए थे। तो जब भी हम भरता बनाते हैं मैं सेम क्वांटिटी में प्याज और सेम क्वांटिटी में ही टमाटर इस्तेमाल करती हूँ, इससे भरते का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही टमाटर डालने के साथ यहाँ नमक ऐड कर दिया था। बस टमाटर को गलने तक हमें यहाँ पका लेना है। तो ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ दूसरी तरफ मेरी सिवैयाँ भी अच्छी तरह पक चुकी हैं। ये रोस्टेड बारीक वाली सिवैयाँ जल्दी पक जाती हैं, लेकिन मुझे इसे गाढ़ा करना था, यानी क्रीमी लुक देना था टच, तो इसलिए मैंने इसे धीमी आंच पर छोड़ दिया था और काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जो भी मनचाहा ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो डाल सकते हैं। और गैस का फ्लेम कर दिया था बंद और दूसरी तरफ भरते में टमाटर गल गए थे, तो मैंने हरा धनिया जो काटा था उसकी डंडियाँ थी, अक्सर डंडियाँ फेंक देते हैं, यहाँ डंडियों का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। डंडियों को बारीक बारीक चॉप करके यहाँ टमाटर के साथ डाल के फ्राई किया है और फिर 2 मिनट के लिए ढक दिया था। और उसके बाद बैंगन को छील कर रख दिया था, बैंगन यहाँ डालकर उसे अच्छी तरह से इस तरह से करछी की सहायता से मैश करते हुए प्याज और टमाटर मिला लिया। साथ ही फ्रोजन मटर थे मेरे पास आधी कटोरी, वो भी डाल दिए और मटर को भी अच्छी तरह यहाँ मिला दिया था। और इसके बाद मटर डालने के बाद मैंने इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। बीच बीच में मैंने इसे चला भी दिया था क्योंकि मटर फ्रोजन है और उबाले नहीं थे मैंने, तो मटर पकने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और यहीं पर ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया था, देसी घी, इससे क्या होता है ना भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, घी डालने से भरते का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब घी या मक्खन जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पर। और देखिए अब भरता बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, यहाँ ऊपर से हरा धनिया डाल दिया और हरा धनिया भी अच्छी तरह से भरते में मिला दिया है। तो बस आटा लगा लिया था मैंने, गर्मा गर्म रोटियाँ बना ली और आज का डिनर मेरा यही है, गर्मा गर्म रोटियाँ जिस पे मैंने मक्खन लगा दिया था, भरता और साथ में सेवइयों की खीर। आज चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि आज सभी को भरता रोटी खाने का ही मन कर रहा था और भरता हमारे घर में सभी का फेवरेट है। तो बस यहाँ पर मैंने डिनर की थाली लगा दी गुप्ता जी के लिए, कटोरी में भरता रख दिया, ऊपर से मक्खन, दूसरी कटोरी में सेवैयाँ रख दी है और भरते के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया। गुप्ता जी को हरा धनिया भरते में बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ हरा धनिया डाल दिया था। सलाद में मैंने रख दिया है कुछ खीरे के स्लाइसेस इस तरह से और प्याज, आप चाहते हैं हरी मिर्च भी रख सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो। और साथ ही रोटियों पर इस तरह से मैंने घी लगा दिया था, मक्खन और इसे तरह से यहाँ रख दिया है। तो बस आज के डिनर की थाली तैयार है, आइए साथ में डिनर करते हैं। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का यही डिनर है, टेस्टी और स्पाइसी बैंगन का भरता और साथ में मीठी सी भैया रोटी को थोड़ी सी घी लगा दी है, साथ में खीरे और प्याज का सलाद। आज का टेस्टी डिनर आइए साथ में करते हैं। और रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को प्यार साथ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ के गुप्ता जी अपना डिनर कर रहे हैं और अब नैतिक भी आ रहा है, वो थोड़ा नीचे कुछ सामान लेने गया था तो आ गया नैतिक भी, नैतिक ने भी साथ में डिनर अपना ले लिया गुप्ता जी के साथ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने किचन क्लीन रात को ही कर लेती हूँ सुबह, ताकि मुझे आसानी हो। और यहाँ सुबह नैतिक को टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, साथ में दूसरी तरफ चाय रख दी है अदरक वाली चाय। और पनीर की भुजिया की रेसिपी पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं उसी तरह से पनीर की भुजिया बनाती हूँ तो काफ़ी टेस्टी बनती है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है।
और चाय भी बन चुकी है और रोटियां बना ली है मैंने, और यहाँ नैतिक को दे दिया नाश्ता। नैतिक ने नाश्ता कर लिया, गुप्ता जी उसे स्कूल छोड़ने गए, और यहाँ मैंने कर ली है क्लीनिंग, तो मैंने बिस्तर सही कर लिया, झाड़ू लगाकर मैंने पोछा लगा लिया है, और पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद यहाँ करने आई हूँ पूजा। तो सुबह ये सब काम निपट जाते हैं तो बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि समय कम होता है और टाइम इतनी तेज़ी से बीतता है सुबह का कि बिल्कुल हमें लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है सुबह के समय। और यहाँ पर मैंने पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाया है, और उसके बाद मंदिर में कान्हा जी को जगा दिया है, और सभी देवताओं को स्नान कराने के बाद मैंने दीपक जलाया, ज्योत जलाई, और यहाँ पर धूपबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना की। तो बस आज का व्लॉग इसी तरह आपके साथ शेयर किया है, फुल डे रूटीन है। प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए आप, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को यहाँ पर सुबह की राम राम।